आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इजी और चटपटी सी फिश फ्राई रेसिपी। आज सिर्फ रेसिपी नहीं बल्कि इसमें छुपी है एक छोटी सी मिस्ट्री। अब वो मिस्ट्री क्या है इसे जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिए। स्किप करने की गलती बिल्कुल ना करें क्योंकि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फिश फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे फिश और इसे हम लगाएंगे नींबू का रस। 1 किलो फिश है इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 नींबू के रस का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर डालेंगे ये सीक्रेट मिस्टीरियस मसाला। इस मिस्टीरियस मसाले का पर्दा उठाएंगे लेकिन थोड़ी देर बाद। तब तक ऐड करेंगे नमक, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर। अब डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और सभी चीज़ों को अच्छी तरह हाथों की मदद से मिक्स करेंगे। मसाला लगाने का काम आपने थोड़ा सा जेंटली करना है क्योंकि ये फिश है तो बहुत जल्दी टूट जाती है और बहुत सॉफ्ट होती है, इसलिए हमें इसे जेंटली लगाना होता है। मसाले को हमने फिश के ऊपर अच्छी तरह से लगा दिया है। अब इसे हम रख देंगे मैरिनेट होने के लिए 1 घंटे के लिए। तब तक यहाँ पर हम फिश को लगाने वाली कोटिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर ले रही हूँ मैं 2 अंडे। अब इसमें हम डालेंगे नमक और इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। फेंटते हुए आप सोचिए कि क्या मिस्ट्री हो सकती है और क्या हो सकता है वो मिस्ट्री मसाले में। चलिए यहाँ पर हमारा अंडा फेंट कर हो चुका है, इसे साइड में रख देते हैं। हमारी सेकेंड कोटिंग के लिए हम यहाँ पर लेंगे रस्क जो ईजिली मार्केट में मिल जाता है। यहाँ पर आप इसकी जगह ब्रेड क्रम का यूज़ भी कर सकते हैं लेकिन मैंने रस्क लिया है, इससे बहुत अच्छी टेक्सचर आता है। बस इसे हमने मिक्सर में अच्छी तरह से बारीक पीस लेना है। तो यहाँ पर हमारी फिश अच्छी तरह मैरिनेट भी हो चुकी है। चलिए ये सब पहली कोटिंग देते हैं अंडे की। तो यहाँ पर इसे अंडे में अच्छी तरह से डिप करेंगे, दोनों तरफ से कोट कर लेंगे। और अब फिश को हम कोट करेंगे रस्क से। आप चाहें तो इसे डबल कोटिंग भी दे सकते हैं बट सिंगल कोटिंग ही काफ़ी है। इसी तरह हम सभी फिश को कोट कर लेंगे। इसे और 10 मिनट रखेंगे और फिर हम फ्राई करेंगे। जब हम इस तरह से फिश को रेस्ट देंगे तो सारी कोटिंग अच्छी तरह से चिपक जाएगी और फ्राई करते वक्त बिल्कुल नहीं निकलेगी। जब तक हम फिश को रेस्ट दे रहे हैं तब तक यहाँ बता देती हूँ मिस्टीरियस मसाला। तो मैंने लिया है यहाँ पर लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। क्वान्टिटी मैंने आपको यहाँ पर मैंशन किया है, आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही में जाएंगे कुछ साबुत गरम मसाले। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 से 1.5 साबुत काली मिर्च। ये वाली फिश फ्राई रेसिपी में काली मिर्च का यूज़ थोड़ा ज़्यादा होता है, आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 4 से 5 लौंग, 2 साबुत इलायची और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा। अब इस मसाले को पीस लेंगे और ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर पतला पेस्ट नहीं बनाएंगे। तो तैयार है हमारा ये मिस्टीरियस मसाला। चलिए अब यहाँ पर हम फिश को फ्राई करते हैं। तो एक कढ़ाई में मैंने डाल दिया है तेल। तेल को अच्छी तरह गरम करेंगे, फिर गैस की फ्लेम को हम मीडियम पर रख देंगे। यहाँ पर हमारा तेल अच्छी तरह गरम होना चाहिए और तेल गरम होने के बाद इसे हम मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे। 5 मिनट बाद अब हम इनकी साइड्स को चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आया है। आपने मेक श्योर करना है कि फ़िश आपके अंदर से पकी होनी चाहिए और ऊपर से भी क्रिस्पी होनी चाहिए। जब आपको लगे कि फ़िश अंदर से पक चुकी है और ऊपर से क्रिस्पी भी हो चुकी है तब आप इसे निकाल सकते हैं। लीजिए तो तैयार है हमारी ये बहुत ही झटपट और चटपटी फ़िश फ्राई रेसिपी। साथ ही मैंने शेयर किया है सीक्रेट मसाला जो आप आसानी से घर पे बना सकते हैं और आपकी फ़िश को एक अलग ही लेवल पे ले जा सकते हैं। यही सीक्रेट मसाला मैंने यूज़ किया है अपनी और एक रेसिपी में, जिसका लिंक ऊपर आई बटन पर आ रहा है, उसे क्लिक करें और ज़रूर चेक करें कि कौन सी रेसिपी है। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को कमेंटर को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।